नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X100 Pro 5G वर्सेस Xiaomi 14 Ultra G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X100 Pro 5G में 6.46 इंच जबकि 14 Ultra में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि X100 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X100 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि 14 Ultra में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X100 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X100 Pro 5G में 225 ग्राम्स जबकि 14 Ultra में 219.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X100 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि 14 Ultra में 6.73 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X100 Pro 5G में 1260x2800px FHD जोल और 14 Ultra में 1440x3200px QHD जोल मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X100 Pro 5G में 89.87% जबकि 14 Ultra में 89.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X100 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 14 Ultra में 521 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X100 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 14 Ultra की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.6 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा, 23 mm फोकल लेंथ कैरेट 1 tilde सेंसर साइज, 50 MP 1.8 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 12 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज, 50 MP 1.8 कैरेट टेलीफोटो कैमरा, 75 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज, 50 MP 120 mm फोकल लेंथ देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X100 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 14 Ultra की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X100 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और 14 Ultra में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X100 Pro 5G में Immortalized G720MC12 जबकि 14 Ultra में Adreno 750 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X100 Pro 5G में MediaTek Dimensity 9300 और 14 Ultra में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 16 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 512 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी X100 Pro 5G में 5400 mAh जबकि 14 Ultra में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो X100 Pro 5G में 1 कलर्स जबकि 14 अल्ट्रा में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X100 Pro 5G 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 57,090 रुपीस में मिल जाता है और बात करें 14 अल्ट्रा की तो वो 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 74,890 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X100 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 15 है, दूसरा शाओमी 14 5G है, तीसरा गूगल पिक्सल 8 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V29 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।